सुबह ये हेल्दी नाश्ता ले लिया, ओट्स रात में भिगो दिया था, रेसिपी मैंने आपको शेयर कर ही दी है। मिठास के लिए इसमें खजूर मैंने यूज़ कर लिया और साथ ही साथ सोक्ड नट्स भी रात में भिगो दिया था। रात में भिगो दीजिए तो काम आसान हो जाता है। चलिए खा लेते हैं, काम बहुत सारे हैं। आज के नए दिन में आपका स्वागत है। स्टार्टिंग की हमने फिर से गुल्लक में 1 रुपये डाल के। घर में होने हैं कुछ स्टेंसिल्स का काम, तो घर की हालत ये है। घर बनाना भी अपने आप में बड़ी मेहनत है, न जाने कितना टाइम लग जाता है, पूरा घर बिखरा हुआ है। अभी अभी धूप से आ रही हूँ, सारे गद्दे ऊपर धूप में रख दिए गए हैं। और हम लोग के यहाँ घर में एक्चुअली हुआ ये था कि जब घर पेंट हो गया था उसके बाद यहाँ पे कारपेंटर और सारा काम लगा था, इसकी वजह से घर में जो नीचे की दीवारें थोड़ी गंदी हो गई थी। तो ये हो रहा है कि गृह प्रवेश कब होना है, फंक्शन और पूजा होनी है, और थोड़ा सा कलर बचा भी हुआ था, मतलब जैसे आप बल्क में बाल्टियाँ मंगवा लेते हैं ना पेंट्स की, तो वो बचा हुआ था, तो नीचे नीचे एक कोट हो रहा है। तो इस समय घर बिखरा हुआ है और काम बहुत ज़्यादा और हालत हो गई है ख़राब। और ये मेरी मजदूर यूनियन वाली टी शर्ट, जिस दिन काम लगता है मैं यही टी शर्ट पहनती हूँ बेचारी। अच्छा जो कपड़े जो सस्ते वाले होते हैं, जैसे ये मैंने सरोजनी से खरीदा, तो उनका यही हाल होता है कि उनको सबसे ज़्यादा पहना जाता है, तो टेक्निकली सबसे पैसा वसूल वही कपड़े होते हैं जिसमें आपको चिंता नहीं होती कि ये ख़राब होगा तो क्या होगा, क्योंकि वो ख़राब होते तुरंत वो पोछा बन जाता है। जैसे ये ख़राब हुआ नहीं कि मैं इसे स्कूटी पोछना शुरू कर दूँगी। और चलिए नीचे चलते हैं, अभी मैं ऊपर छत पे गई थी, सारे गद्दे रख के आई, ये देखिए मेरे रूम का ये हाल हो गया था, सारा मैट्रेस वगैरह ऊपर चली गई है। बाद मुझे लग रहा है योगा मैट पे ही सोना पड़ेगा मुझको। यहीं पे मैं वॉक करती हूँ, आपने रात में देखी नहीं होगी मेरी छत ना, ये देखिए। में है रोटी चोखा और साथ में रायता, मतलब कोई कॉम्बिनेशन नहीं है पर जो भी है अच्छा है। आजकल मेरे घर में चोखा बहुत बन रहा है यार, ये लिट्टी कब बनेगी? चोखा तो डेली खा रही हूँ, बस लिट्टी का इंतज़ार है। और मेरे रूम का कुछ ये सब हाल है क्योंकि सारे पर्दे उतार दिए गए हैं। ये सेकंड कोट पेंटिंग हो रही है, बेचारे सोफ़े के ऊपर सारा कवर उतार दिया गया है। ये सोफ़े मतलब एक तरीके से मेरे बड़े भाई हैं, ये मुझसे 1 साल बड़े हैं उम्र में, अभी तक इनका 3 बार कवर चेंज करा दिया गया है। तो आपको सस्टेनेबल लिविंग हमेशा मिडिल क्लास फैमिली में मिलेगी, हम सामान फेंकते नहीं, उसको यूज़ करते हैं आखिरी दम तक। इतने स्टंट के साथ पेंटिंग हो रही, और तब से भैया से कह रहे हैं कि सीढ़ी ले लो सीढ़ी ले लो, भैया कह रहे हैं दीदी अभी रुकिए मैं दिखाता हूँ। और सीढ़ी पे इस तरीके से स्टैंड लगा और नीचे से दो लोग होल्ड किए, मतलब इंडियाज़ गॉट टैलेंट में जाना चाहिए। आज भैया बिल्कुल ईगो पे ले लिए हैं कि उनको पेंट ऐसे ही करना है, ओके मैं करके दिखाऊंगा, लगी शर्त उन्होंने यहाँ तक कि शर्त लगा ली थी कि मैं देखिए बिना सीढ़ी के पेंट करूँगा। शाम के बज रहे हैं 5 और इसके बाद वक्त आ गया है कि ये जो ब्लैंकेट्स वगैरह पड़े हुए हैं इनको नीचे लेके चलें, ताकि जितना धूप देखना था देख लिया है, इसके बाद वरना ओस में भीग जाएंगे। एंड दूसरी चीज़ है, इसके बाद मैं चाय पीऊँगा, आज बहुत थक गई। घर में जब काम लगा होता है इंसान परेशान हो जाता है, और रात में मैं यहीं वॉक करती हूँ। दिस इज़ माई छत और यही ग्रीनरी है पूरा आसपास। आज के टाइम में लकी, मतलब बहुत लकी होता है वो इंसान कि अगर आप जहाँ रह रहे हो वहाँ आसपास आपको ग्रीनरी मिल जाए, एंड थैंक गॉड कि हम लोग को ग्रीनरी मिल गई। और मैं गवर्नमेंट क्वार्टर का घर, आप लोग पूछते हैं ना कि वो डॉग्स का क्या हुआ, तो मैं आपको बताती हूँ क्या हुआ।
वो जो पानी की टंकी दिख रही है वो मेरे गवर्नमेंट क्वार्टर के सामने है, तो मेरे घर और गवर्नमेंट क्वार्टर में बस उतनी ही दूरी है। तो बेसिकली जो भैरव और कजरी हैं उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी ये पूरे मोहल्ले में है। ये जो पूरा मोहल्ला दिख रहा है हमारा, ये भोलू और कजरी की ही कॉन्स्टिट्यूएंसी है, तो हम लोग उनके एरिया में रहते हैं। बी आलसी थिंक स्मार्ट, गद्दा फट से नीचे फेंकने की निंजा टेक्निक। देखिए मैंने सीढ़ी से बचा लिया ना गद्दे उठाने में। और ये गद्दा नंबर टू, इसको मैं अपने रूम में लेके चलूँगी। मम्मा बहुत भारी है, टू भारी है। गद्दे ऊपर से लेती आई हूँ, अब एक अदरक की चाय, अदरक की चाय ये मुझे फिक्स कर सकती है। जब मैं प्रयागराज में थी, आई वॉज इन PG और कोचिंग कर रही थी, तब मैंने केटल में चाय बनाने के लिए ये ख़रीदा था। ये 15 रुपीज़ का, ये मैंने अदरक मतलब चाय के लिए मैं कद्दूकस करने के लिए ख़रीदा था। ये तब से मेरे साथ चल रहा है, मतलब 3-4 साल हो गए और ये मेरे साथ मतलब प्रयागराज से ही चला आया, बेचारा इलाहाबाद से मेरे साथ साथ चलते हुए चला आया है। अभी जा रही हूँ चाय बनाने के लिए, अभी याद आ गया मुझे ये देख के, ये मैंने वहाँ से लिया था कटरा में, ऐसे ठेले पे नहीं, जैसे छोटे छोटे ठेले होते हैं जिसमें चाय मतलब चाय की छन्नी, बर्तन धोने वाला, ये सारी चीज़ें रखी रहती है, तो वहाँ से मैंने कटरा से लिया था इसको। चाय के साथ मूंगफली, मखाना तो मैं ऑलरेडी चट कर गई हूँ चुन चुन के, आई थिंक दिस इज़ सफिशियंट, क्योंकि मूंगफली से पेट बहुत जल्दी भर जाता है, दिस इज़ सफिशियंट। ओके, खाने में बनी है मक्के की रोटी और चोखा और रायता सुबह का ही है। अच्छा, आपके यहाँ में फूड रेपिटिशन होता है क्या, कि बहुत काम है घर में लगा हुआ है तो अब थक गए हैं तो आज चलो यही कर लेते हैं। हमारे आज पेंटिंग वाला काम हुआ था और सब थके हुए हैं तो हम लोग भी वही सुबह वाला ही खाना भी खा ले रहे हैं। वाटर टास्क मेरा कंप्लीट हो गया है, ये तीसरी बॉटल है जो ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाली है और चौथी बॉटल अब मैं ख़त्म कर दूँगी रात तक, थोड़ी थोड़ी देर में अब ख़त्म हो जाएगा, डिनर के बाद इतना मैं पानी पी लेती हूँ। और चलिए फिर खाने का शुभारंभ करते हैं। और जब दिन के सारे टास्क हो जाए पूरे तो एक डांस तो बनता ही है, और वो भी है मेरा फेमस शेडो डांस। मैं पक्का यहाँ पे ना एक हॉन्टिंग स्टोरी अपने मोहल्ले में फेमस करके ही मानूंगी।